से है मेरी आस, तुझ ही से बुझती मेरी प्यास, तुझ ही से है मेरी आस, तुझ ही से बुझती मेरी प्यास। नहीं है दुनिया में मेरा साथ, यीशु तू थाम ले मेरा हाथ। नहीं है दुनिया में मेरा साथ, यीशु तू थाम ले मेरा हाथ। चलूं तेरे सामने झुकूं, तेरे भवन में चलूं, तेरे सामने झुकूं, आदर और इज्जत तुझे दूं, उठा के स्तुति तुझे दूं, आदर और इज्जत तुझे दूं, हाथ उठा के स्तुति तुझे दूं। यीशु तुझी से है मेरी आस, तुझी से बुझती मेरी प्यास। नहीं है दुनिया में मेरा साथ, यीशु तू थाम ले मेरा हाथ। एक बार यीशु एक कुएं के पास बैठे थे, वहां एक स्त्री जिसका चाल चलन अच्छा नहीं था पानी भरने आई है। यीशु उससे बातें करने लगा। यीशु ने उससे कहा कि जो पानी तू भरने आई है वह पीकर लोग फिर प्यासे होंगे, पर जो जल मैं तुझे दूंगा उससे तू अनंत काल तक हमेशा हमेशा तक कभी प्यासी ना होगी। उस स्त्री को समझ में नहीं आया कि ये कौन सा जल है जो यीशु उसे देगा। यीशु उससे बातें करता रहा और उस स्त्री को पता चला कि जगत का उद्धार करता यीशु ही है, जगत के सभी लोगों को बचाने वाला वही है। उस स्त्री ने अपने जीवन में बहुत से गलत कार्य किए थे, लेकिन उसे पता चला कि यीशु उन्हीं लोगों को बचाने आया है। उसने यीशु पर विश्वास किया, उसने परमेश्वर के छुटकारे को जाना, उसका जीवन बदल गया। उसने जाना कि यद्यपि वो पापी है तब भी यीशु उससे प्यार करता रहता है। उस स्त्री ने उस जल को पहचाना जो यीशु ने उसे दिया। तुझी से है मेरी आस, तुझी से बुझती मेरी प्यास, तेरी हर बात मैं सुनूं, चाहे नुकसान भी सहूं, तेरी हर बात मैं सुनूं, चाहे नुकसान भी सहूं, मालिक है तू ऐ प्रभु, दाता भी तू ही यीशु, मालिक है तू ऐ प्रभु, दाता भी तू ही यीशु। यीशु तुझी से है मेरी आस, तुझी से बुझती मेरी प्यास, तुझी से है मेरी आस, तुझी से बुझती मेरी प्यास। नहीं है दुनिया में मेरा साथ, यीशु तू थाम ले मेरा हाथ। नहीं है
दुनिया में मेरा साथ, यीशु तू थाम ले मेरा हाथ। क्या आप आज अपनी प्यास मिटाना चाहते हैं? हो सकता है कि आप अपने जीवन के परिस्थितियों से थक गए हैं। हो सकता है कि आप अपनी आर्थिक समस्या, अपनी बीमारी, अपनी पारिवारिक संबंध हो या अपनी नौकरी से थक गए हैं। हो सकता है कि आपको मौत का खौफ है, आपको पता नहीं कि आप मरने के बाद कहां जाएंगे। आज ये समय है कि आप अपने प्यास को बुझाएं। आज ये समय है कि यीशु को आप अपने दिल में बुलाएं। आज ये समय है कि आप यीशु से प्रार्थना करें। आज ये समय है कि आप यीशु को अपने दिल में जगह दें। क्या आप तैयार हैं? क्या आप ये प्रार्थना मेरे पीछे करते हैं? इस प्रार्थना के द्वारा आप यीशु को अपने दिल में बिठा सकते हैं और अपने दिल की प्यास बुझा सकते हैं। स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता, मैं तेरे पास आता हूँ, मैं तेरे पास आता हूँ। मैं एक पापी, मैं एक पापी, और मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत से अनुचित कार्य किए हैं, मैंने बहुत से अनुचित कार्य किए। मैं आपसे याचना करता हूँ, मैं आपसे याचना करता कि आप मेरी सहायता करें, कि आप मेरी सहायता करें। प्रिय यीशु, प्रिय यीशु, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे पापों के कारण बलिदान हुए, कि आप मेरे पापों के कारण बलिदान हुए। मुझको क्षमा प्रदान करें, मुझको क्षमा प्रदान करें और मेरे पापों को दूर करें, और मेरे पापों को दूर करें। मैं आपको अपना व्यक्तिगत मुक्तिदाता स्वीकार करता हूँ, मैं आपको अपना व्यक्तिगत मुक्तिदाता स्वीकार करता हूँ। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। आप ही मेरे प्यास को बुझाएं, आप ही मेरे प्यास को बुझाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम।